रतलाम में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं 11 लोग घायल हो गए हैं। पूरा मामला रतलाम जिले के सरवड़ जमुनिया के पास का है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों को रौंद दिया। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 8 मजदूर घायल हुए। इसके साथ ही कार में सवार 3 यात्री भी घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों का आनन फानन में जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती किया गया। रायसेन जिले के सिलवानी में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने विधायक देवेंद्र पटेल के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बताया कि युवा कांग्रेस घर घर पीले चावल डालकर इस यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 22 नवंबर को आएगी और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की उप यात्रा निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश में 20 तारीख को राहुल जी रात में पहुंचेंगे और जो मुख्यतः यात्रा की शुरुआत 22 तारीख को होगी मध्य प्रदेश में, तो उसको लेकर पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अभी यूथ कांग्रेस के माध्यम से भी हमने घर घर जोड़ो अभियान शुरू करा है, जिसमें हमारे यूथ कांग्रेस के साथी घर घर जाकर पीले चावल देकर इस यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लाखों लोग इस यात्रा में उमड़ेंगे और इस यात्रा में ऐसा जनसैलाब आएगा, उस पर 2023 के चुनाव जो आएंगे उस पर जबरदस्त इस चीज का प्रभाव पड़ने वाला है। उज्जैन में नीलगंगा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्रीन पार्क कॉलोनी में युवक का चाकू की नोक पर अपहरण किया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। फरियादी ने जानकारी देते हुए बताया कि वो अपने घर के बाहर खाना खाकर बैठा हुआ था, तभी कुछ लोगों ने उसको चाकू की नोक पर जबरदस्ती ऑटो में बिठा लिया। उसका एक परिचित जब फरियादी को बचाने आए तो उन्हें भी चाकू से डराकर भगा दिया और फिर उसे शहर भर में घुमाते रहे और पीटते रहे और 5 लाख की फिरौती की मांग की गई। आरोपियों की मांग स्वीकार करने पर उसे छोड़ दिया गया, जिसके बाद फरियादी ने हिम्मत करते हुए 3 दिन बाद पुलिस से मामले की शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पन्ना के अजयगढ़ में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पुलिस कस्टडी से कैदी फरार हो गया। बता दें कि पुलिस कैदी को पेशी के लिए कोर्ट लाई थी, तभी पुलिस को चकमा देकर कैदी कैशुर बहेलिया मौके से फरार हो गया। कैदी के खिलाफ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 302 का मामला दर्ज है। वहीं कैदी की तलाश में पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है।